क्लास थर्ड एसएसटी। इसमें अपन देखेंगे आज क्वेश्चन आंसर जो कि एफ पे है, पेज नंबर 9। लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन, क्वेश्चन एफ। ओके, लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर्स में पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। मतलब अर्थ की दो जो है वो मूवमेंट होती है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, इसमें क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर है आपके पेज नंबर 6 पे, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ में आपको सबसे पहले लिखना है रोटेशन के बारे में। द अर्थ स्पिन्स लाइक द टॉप अबाउट एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस, दिस मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखनी है आपको, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। इट मीन्स अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे जो घूमती है उसको बोलते हैं रोटेशन, और जो मूवमेंट करती है अर्थ सन के अराउंड उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो इन दोनों के बारे में लिखना है, इन दोनों में डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस है। नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन है, अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, व्हाई। मतलब अर्थ जो है प्लैनेट कैसा यूनिक प्लैनेट है, किसका, सोलर सिस्टम का, ऐसा क्यों। इसका आंसर है पेज नंबर 6 पे, जिसमें हेडिंग है यूनिक फीचर्स ऑफ अर्थ में, अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। मतलब ये एक ही ऐसा ओनली प्लैनेट है अर्थ जिसपे की लाइफ सपोर्ट होती है, लाइफ मतलब पॉसिबल है। ओके, तो ये आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पेज नंबर 6 पे फर्स्ट लाइन है, हेडिंग के बाद में वो इसका पूरा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वाज इट प्रूव दैट द अर्थ वाज राउंड लाइक अ बॉल। मतलब ये कैसे प्रूव हुआ कि अर्थ जो है वो बॉल के जैसी राउंड है। तो इसका आंसर अपन देखेंगे पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे जो है वो देखेंगे, मैंने लिख रही हूँ इसका आंसर क्योंकि थोड़ा सा इसको क्लियर नहीं बताया हुआ है, एज इट इज नहीं लिखना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे फर्डिनेंड मैगेलन बॉल।
नहीं है, यानी इसमें क्या स्पेशलिटी ऐसी है जो कि अर्थ इतनी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए अपन देखेंगे द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प टू सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ। ये यूनिक फीचर्स हैं। फर्स्ट नंबर इज अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ओके, यहां तक लिखना है आपको। सेकंड नंबर है द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर फेवर्स द एक्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। थर्ड इज अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ओके, ये मतलब मॉडरेट टेम्परेचर है अर्थ पे जिससे कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। अर्थ हैज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड इट कॉल्ड द ओजोन लेयर। इट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड अब्सॉर्ब द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। मतलब यहाँ पे ओजोन लेयर है प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट के रूप में, जो कि यहाँ की एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है, जो कि यहाँ मतलब सन होता है ना, रेज ऑफ सन, हार्मफुल रेज होती सन की, उसको एब्जॉर्ब करती है। ओके, और लास्ट फीचर इज अर्थ हैज वाटर ऑन इट, 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर विच इज बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब बेसिस ऑफ लाइफ है वाटर, जो कि यहाँ के 3/4 पार्ट पे है। ये है फीचर्स ऑफ अर्थ। इसमें थोड़ा सा आपको कट कट करके लिखना है जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, वो आपको कॉपी में नोट करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।